हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुइस इंडिया की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है कैंडिडेट्स के लिए कि यहाँ पे लुइस इंडिया टीम की तरफ से एक मेल भेजा जा रहा है कैंडिडेट्स को कि वी एट हैकर अर्थ ट्रूली अप्रिशिएट दैट यू टुक द टाइम टू रजिस्टर इन लुइस इंडिया हायरिंग कोडेथॉन एंड शोन इंटरेस्ट इन दिस। अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं है और इन्वाइटेड नहीं है इस चैलेंज के पार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि ये एकदम से कैसे हुआ, इसी के साथ साथ क्यों आप एलिजिबल नहीं है लुइस इंडिया के लिए। कंप्लीट कॉलेज लिस्ट बताऊंगा, 83 कॉलेज ही एलिजिबल है इसमें, और ये आखिरी टाइम में ही क्यों हुआ, इसी के साथ साथ कैसे कंफर्म करें कि आप एलिजिबल है या नहीं इस एग्जाम के लिए, MNC की टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को इस टाइप से मेल आ रहा है कि वी एट हैकर अर्थ अप्रिशिएट ड्यू टू द ओवरवेलमिंग रजिस्ट्रेशन लुइस इंडिया हैज डिसाइडेड टू सिलेक्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ बिलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2022 बैच पास आउट्स के लिए है। तो 2022 बैच कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने अभी एक और नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है। एक बात बता दूं कि कंपनी लास्ट टाइम में भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर सकती है, ये बड़े रेयर केस में होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी जो MNCs है वो ऐसा कभी नहीं करती है कि लास्ट टाइम में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस होते हैं, पर ये ऐसा पहली बार हुआ है लुइस इंडिया की तरफ से जिसमें कि उन्होंने आखिरी टाइम में यहाँ पे कुछ एक का ऐसा रजिस्ट्रेशन और उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया है। अब उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी रखी है, 2022 या डिग्री BE BTech, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, और 7.5 और उससे अबो होना चाहिए। और उन्होंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट दी है, जैसे कि आपका ये अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्वालियर, बिट्स पिलानी हैदराबाद राजस्थान, IIT, यहाँ पे IIT इंदौर, हैदराबाद, मद्रास, मंडी, यहाँ पे बहुत सारे IITs हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे IIT के ही नाम रख रखे हैं, इसी के साथ साथ बहुत सारे IITs यहाँ पे एलिजिबल है। फिर उन्होंने नेक्स्ट लिस्ट में भी IIT और इनके बारे में बता रखा है। फिर उन्होंने यहाँ पे NITs के बारे में बता रखा है जो यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे टोटल 83 कॉलेज एलिजिबल हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस है वो NIT है, और यहाँ पे इसी के साथ साथ एक दो यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज भी है। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 83 कॉलेज है, अगर इन कॉलेजेस में आपका आपका ये कोई कॉलेज है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको इस टाइप से एक मेल आएगा कि लुइस इंडिया कोडेथॉन 2022 मास्टर क्लास, ग्रीटिंग्स फ्रॉम लुइस इंडिया, लुइस इंडिया कोडेथॉन इज फास्ट अप्रोचिंग, प्लीज ज्वाइन अ सेशन वेयर क्यू टू थ्री दो प्लान फॉर द कोडेथॉन। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से यहाँ पे 10 जून को ये इस टाइप से ये जो था आज दिन में 3 से 4 बजे तक ये एक कोडेथॉन मास्टर क्लास थी। तो कैंडिडेट्स को ये आया था, इससे मीन्स आप समझ सकते हैं कि इससे आप एलिजिबल है एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वाला मेल आया है तो आप एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम में आप एलिजिबल नहीं है तो अगले बहुत सारे एग्जाम्स है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी MNC कभी ऐसे कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं करती है, पर रजिस्ट्रेशन के दौरान लुइस इंडिया टीम की तरफ से क्राइटेरिया चेंज किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।